बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मरियम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में हैर अफिये से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखने नसीब फरमाए और अचानक आने वाली तकलीफ़, मुसीबत और बला से अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आज मरियम किचन में हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे, वो भी एक नए स्टाइल से व्यूअर्स। और वो कैसे हम बनाते हैं, आइए हम आपको बताते हैं जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आलू का पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 4 अदद आलू। उनको हमने उबाल लिया है और उबालने के बाद हम उसको ग्रेट करेंगे, यानी कि कद्दूकश। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम इस्तेमाल करेंगे पाउडर मसाले। पाउडर मसाले में हमने यहाँ पे लिया है नमक हसबे ज़रूरत, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 2 से 3 चुटकी अजवाइन, 2 से 3 चुटकी हमने लिया है जीरा, इसको हमने हाथों से अच्छे तरीके से मसल लिया है। और यहाँ पे हमारे पास 1 टीस्पून चिली फ्लैक है। व्यूअर्स, ये तमाम मसाले हम इसमें डाल देंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ड्राई मसाले। ड्राई मसाले में हमने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्च, 2 अदद हमने लिए हैं लहसुन की कलियाँ, इसको हमने घी में थोड़ा सा पका के नरम कर लिया था और हाथों से हमने इसको मसल लिया है। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 1 टीस्पून पुदीना है, फ्रेश पुदीना, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पे हमारे पास है ग्रीन ऑनियन, इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है और ये भी तकरीबन 3 टेबलस्पून है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और व्यूअर्स, लास्ट में यहाँ पे हमारे पास है हरा धनिया, ये है तकरीबन 3 टेबलस्पून, ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम बारीक बारीक काटेंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे तमाम मसालों को डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आटा। हमने यहाँ पे 1 कप आटा लिया है, यानी 200 ग्राम, इसको हमने छान के इस्तेमाल किया है, आपने भी छान के इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमने लिया है मैदा 100 ग्राम, इसको भी हमने छान के इस्तेमाल करना है। अब इसको हम हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है। पानी का हमने इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स किया है, क्योंकि आलू, धनिया और पुदीने में पानी होता है। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम हसबे ज़रूरत इसमें पानी ऐड करेंगे और साथ साथ इसको हम गूंथते जाएँगे। ये तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे डो आटे की बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ना ही हमने इसको ज़्यादा पतला गूंदना है और ना ही हमें इसको ज़्यादा सख्त गूंदना है, इस तरह से हमें ये चाहिए। जी तो व्यूअर्स, अब हम थोड़ा सा लेंगे ऑयल, हाथों पे लगाएंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम लगा देंगे डो के ऊपर, और इसको हम किसी कवर से कवर कर देंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे व्यूअर्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी का हमने बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल किया है, इसलिए आपने भी पानी को हसबे ज़रूरत ही इस्तेमाल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से आधा घंटा हो चुका है हमारे डो को रेस्ट किए हुए। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। थोड़ा सा हम उसका हाथों पे लगाएंगे और आपने जितनी भी बड़ी डो लेनी है, पेड़ा जितना भी बड़ा या छोटा, वो आपकी अपनी मर्जी है। इस तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे। ये तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह 1.5 कप से हमने यहाँ पे 8 पेड़े और 1 रोटी को हमने यहाँ बेल के रखा है। 9 आलू के पराठे जो है इससे बन के तैयार होंगे। तो दूसरी साइड पे हमें तवे को जो है गर्म कर लिया है, अब इसको हम तवे पे डालते हैं। ये तो व्यूअर्स, तवे को हमने हाई फ्लेम पे पहले तेज़ करके गर्म कर लिया था, उसके बाद हमने इसको कर लिया है मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल, आप चाहें तो इसके ऊपर घी भी लगा सकते हैं। एक साइड पक जाए तो फिर हम चेंज करेंगे। अब हम इसकी साइड जो है चेंज कर देते हैं। बिस्मिल्लाह, और इसको पका लेते हैं अच्छे तरीके से। साइड इसकी चेंज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ज़बरदस्त किस्म की ये साइड जो है पक चुकी है। माशाल्लाह से इसकी दोनों साइडें बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है। ये देखें, आप जिस तरह से मर्जी इसको प्रेस कर सकते हैं। अब इसको हम एक डिश में निकाल लेते हैं। और इसी तरह हम बाकी भी पका लेते हैं। माशाल्लाह से पराठे बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी और माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। व्यूअर्स, आप देखें जैसे ये फूल रहे हैं, बहुत
बहुत सॉफ्ट किस्म के और बहुत ही कलरफुल और बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह। तो व्यूज यहाँ पे माशाल्लाह से आप देख सकते हैं आलू के पराठे बिल्कुल रेडी हैं और व्यूज मैं आपको बताती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं। वैसे आलू के पराठे हमारे बिल्कुल रेडी हैं, रेडी टू ईट हैं व्यूअर्स, और माशाल्लाह से ये बहुत ही डिलीशियस बने हैं। व्यूअर्स आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि आज की आलू के पराठे की रेसिपी न्यू स्टाइल की आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। व्यूअर्स इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मरियम को भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो व्यूअर्स अब हम इसको तोड़ के भी दिखाते हैं और खा के भी बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, इसको आप ग्रीन चटनी के साथ, अचार के साथ, दही के साथ, हम इसको खाएंगे शक्कर वाले दही के साथ। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डिलीशियस।